तो हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डोमिनर 400 का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Gonna see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमिनर 400 के मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो ये बाइक को मतलब चलाए हुए मुझे 2 महीना हो चुका है। 18 जून को लिया था मैंने, और सॉरी 18 मई को लिया था, और अभी मैंने 2800 किलोमीटर चला लिया। ये अभी कहाँ है जल्दी, अरे ये देख सकते हो, 2800 किलोमीटर अभी तक चला लिया। मतलब काफ़ी लॉन्ग राइड भी किया इसे, तो काफ़ी तगड़ी बाइक है। लेकिन आज मैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है मतलब। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला नेगेटिव पॉइंट जो है मतलब इसका टर्निंग रेडियस है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका टर्निंग रेडियस बहुत हाई है, इसीलिए आपको यू टर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है मतलब, और पार्किंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट तो इसका टर्निंग रेडियस है, बहुत कम टर्न होती है। और इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, इसका रियर ब्रेक है, ये मतलब इतना अच्छे से काम नहीं करता। आपको दोनों ब्रेक एक साथ मारना पड़ेगा तभी काम करेगा, मतलब ये बहुत कम मतलब लगती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो इसका जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो इसका सीट है, मतलब काफ़ी हार्ड सीट है, पिलियन को काफ़ी तकलीफ होता है मतलब लॉन्ग राइड में। एक लॉन्ग राइड मैंने किया था, उसका गांड फट गया था मतलब बहुत दर्द करता है ये। मैं अपने गर्लफ्रेंड को कैसे इसे घुमाऊँगा वही सोच रहा हूँ। अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, सीट को चेंज करवा दूंगा तब तक। बस इतना ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता था मतलब, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। बाइक आप खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा बाइक है, इसका पावर बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं घुसूंगा, वैसे भी आपको मिल ही जाएगा इंटरनेट पे।